विश्वास लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स और लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहिएगा और मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती रहूंगी। मैंने कहा था कि मैं दिवाली से पहले किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के मैंने सोचा कि ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं। और वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रही हूँ यूट्यूब से, क्योंकि दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के टाइम पे मैं कोई भी वीडियो शेयर नहीं करूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों से मिलूंगी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। तो ऑलरेडी मैंने किचन काउंटर टॉप जो है वो खाली करके पूरा क्लीन कर लिया है और अभी मैं इसे ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, खूब सारा एंजॉय कीजिए नवरात्रि में। लंच करने के बाद ही मैंने किचन काउंटरटॉप को खाली करके अच्छे से क्लीन कर लिया था, जो कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और ये बर्तन मेरी हाउस हेल्पर क्लीन करके गई है, और ये कंटेनर जो कि मैंने नया लिया था किचन के लिए, तो ये सारे मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दिया था ड्राई होने के लिए। सारे कंटेनर अच्छे से ड्राई हो चुका था, देन मैंने एक क्लीन कपड़ा लिया और उससे सारे कंटेनर को अच्छे से पोंछ लिया, क्योंकि मुझे इसके अंदर सामान भरना था। तो मुझे इनमें ना किसी में भी कोई नेम स्टिकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे कंटेनर में नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किसके अंदर क्या रखना है। तो बस नटमैग मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो वो वाला कंटेनर मैं अभी खाली रखने वाली हूँ, जब आ जाएगा तो इसमें नटमैग भर लूँगी। इसमें मैं रखने वाली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। एक्चुअली ये ना पाउडर नहीं है, मैं ब्लैक पेपर को मिक्सी मशीन में हल्का सा चला लेती हूँ, जिससे कि ये दरदरा पीस जाता है, मतलब पूरा पाउडर नहीं बनता है। और इसी तरह से मैं इसे यूज़ करती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ता है तो ही मैं इसे पाउडर बना के यूज़ करती हूँ। इसमें मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा नमक, फिर इसके अंदर मैं रखती हूँ स्टार एनिस, और इसके अंदर मैं रखती हूँ जावित्री, और जायफल भी इसी में रखती थी नटमैग, लेकिन फ़िलहाल अभी ख़त्म हो चुका है। और इस जार में मैंने रखा है सेंधा नमक, फिर इसके अंदर मैं पहले ब्लैक पेपर पाउडर जो है दरदरा पीसा हुआ वो रखती थी, और अभी भी थोड़ा बहुत है इसके अंदर। तो इस तरह से मैं सामान को पूरा जितने भी कंटेनर है उसे फिल कर लिया है, जार जितने भी है, और अब मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। जैसा कि पहले भी मैं इसी तरह से रखती थी, ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर मैंने हनी और एक जग रखा है, फिर मैंने संजीव कपूर का रेसिपी बुक रखा है, और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मेरा एक DIY किया हुआ ऑर्गेनाइज़र है, खाली बॉक्स से मैंने इसे बनाया था। इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर रख रही हूँ मैं दो जार जिसमें जावित्री और स्टार एनिस है। तो पहले ये मैं रखा करती थी मेरे जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर, मेरा एक मेटल का शेल्फ है वाइट कलर का, उसमें रखा करती थी। तो ये मसाले बहुत कम यूज़ होता है इसलिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ, और ये दो जार मैंने लिया था होम टाउन से। इस
इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किया है, खास करके कंटेनर, जार एंड ऑर्गेनाइज़र, इनमें से ज़्यादातर मैंने होम टाउन, होम सेंटर एंड अमेजन से परचेज़ की है, और कुछ मैंने लिया है यहाँ के लोकल मार्केट से। तो इनमें से जिन प्रोडक्ट्स का भी लिंक मेरे पास है या फिर लिंक मिल जाता है, वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं हमेशा ही अपने वीडियोज़ में जो भी प्रोडक्ट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, उन प्रोडक्ट्स के अगर लिंक होता है तो वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझसे काफ़ी सारे, आप में से काफ़ी सारे लोग लिंक मांग रहे थे। ये जो तीन जार है टी, कॉफ़ी एंड शुगर का, वैसे तो ये ग्लास का है लेकिन ऊपर में एक कवर टाइप का दिया गया है प्लास्टिक का, जिसमें नाम भी लिखा हुआ है टी, कॉफ़ी एंड शुगर। तो हम चाहे तो इसे ना निकाल के अलग से यूज़ कर सकते हैं, जार को अलग से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कर दिया है। और यहाँ पे अब चाहे तो बिस्किट भी रख सकते हैं या कुछ और सामान भी रख सकते हैं। तो एक तो ये कवर रहने से सेफ रहता है, मतलब स्लिप नहीं होता है ये बॉटल्स, और देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये सारे जार का भी आप में से कुछ लोग लिंक मांग रहे थे, लेकिन इसका लिंक मेरे पास नहीं है, ऑनलाइन पे नहीं मिला मुझे। ये मैंने लिया था यहाँ के स्टोर है एक, जिसका नाम है सोहम एम्फोडिया, तो वहाँ से लिया था, लिंक मुझे ऑनलाइन पे नहीं मिला, तो इसका लिंक मैं नहीं दे सकती। ये ना बोरोसिल का ग्लास का कैटल था, जिसे हम गैस पर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका नीचे का पोर्शन जो है वो फट गया है, तो इसके वजह से मैं इसे एज ए डेकोर पीस यूज़ करती हूँ आजकल। और इसमें मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर और कुछ पेबल्स डाल दिया है, और आर्टिफिशियल प्लांट्स से इसे इस तरह से यूज़ करती हूँ। और इसके साथ मैं रख रही हूँ चाय लिखा हुआ कैटल, जो मैंने वेस्ट साइड से लिया था, स्टेनलेस स्टील का है, और इसका भी लिंक मुझे नहीं मिला है ऑनलाइन पे। मैंने सर्च किया था और सिमिलर प्रोडक्ट भी नहीं मिला मुझे, तो इसका भी लिंक मैं नहीं दे सकती। और पहले मैं जो छोटे छोटे जार इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर रखा करती थी, वो सारे मैं रख रही हूँ यहाँ पे। दुर्गा पूजा में आप लोगों के साथ वीडियो तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ शॉर्ट्स के ज़रिए आप लोगों के साथ कनेक्ट ज़रूर रहूंगी। और मेरे किचन के वीडियो को आप लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को भी उतना ही प्यार मिलेगा। ये दोनों ही कैंडल होल्डर है, तो मैं यहाँ पे एक के ऊपर एक रख के यूज़ करने वाली हूँ, एक को एज ए स्टैंड यूज़ करने वाली हूँ। तो दोनों का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही खूबसूरत है, ब्लैक एंड आइवरी कलर में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो फेस्टिव वाइब्स लाने के लिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्स्ट्रा कॉर्क लाइट्स और फ्लावर ऐड कर रही हूँ। एवरी मंथ मैं इसी तरह से किचन को डीप क्लीन करती रहती हूँ, और जब भी मैं डीप क्लीन करती हूँ तो काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा बहुत चेंज करती रहती हूँ। इससे एक न्यू लुक क्रिएट हो जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम नए सामान से, नई चीज़ों से ही ऑर्गेनाइज करें, पुराने चीज़ों को भी थोड़ा सा इधर उधर करके हम एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं।
तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार फिर से आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली के ओर से हैप्पी दुर्गा पूजा, नवरात्रि एंड दशहरा इन एडवांस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।